अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे जी, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और अभी इस टाइम मैं जी काम ख़त्म कर चुकी, अपना सफाई मैंने सारी कंप्लीट कर लिया, बच्चे मेरे अभी तक सो रहे हैं और इसीलिए मेरा काम ख़त्म हो गया है। और इनके पापा भी अंदर सो रहे हैं, वो जो है ना अभी सुबह जब मैं फजर के लिए उठी थी उस टाइम घर वापस आए थे, क्योंकि इसके चाचू मूसा के चाचू ने कपड़े सिलाई कर लिए थे तो उनके पास रात को जाते रहे हैं। फजर टाइम वापस आए हैं और सो गए हैं, बच्चे भी मेरे सो रहे हैं, इसीलिए मेरा काम हो गया जी ख़त्म सारे का सारा। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, खीर बनाने लगी हूँ और मौसम देख के तो लगता है कि फ़िलहाल मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा होगा। और चलिए जी फिर जल्दी से चलती हूँ मैं किचन में। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी वाली खीर। तो 1 लीटर की मैं बनाऊंगी जी खीर, बाकी जो थोड़ा बचेगा कुछ इसमें और कुछ इसमें मैंने रखा हुआ, चाय बनाएंगे और कुछ की सेवियाँ बना लूँगी ख़त्म के लिए, और साथ में खीर बना लेती हूँ। मैंने मूसा के बाबा से पूछा आपने खीर खानी है कसर तो कहते हैं खीर बनाओ खीर खाएंगे। मैंने सोचा है उन लोगों के उठने से पहले पहले खीर बना देती हूँ। जितनी देर में दूध उबाल के साथ में मैं सेवियाँ रखती हूँ बनने के लिए, जल्दी से तैयार हो जाए। और चाट के लिए जो है ना आलू और चने मैंने शाम को बॉईल करके रख दिए थे, उन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया, तो अभी ये चीज़ें बना के तो फिर मैं आराम से चाट भी बना लूँगी। दूध वाला बॉईल हो चुका है तो अभी इसमें डालते हैं जी सेवियाँ। मेरी जो है ना रेडी हो चुकी हैं और खीर भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम निकाले हैं खीर में डालने के लिए, इसको गार्निश करने के लिए। सेवियों में मैं कुछ भी नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाते खीर, तो फिर कोई मेहमान आ गया तो बंदा उसको भी दे सकता है। तो सेवियाँ में मैंने डाले ना तो मेरे बच्चे मुँह में जब बादाम वगैरह आए ना तो उनको निकाल देते हैं, खाते नहीं हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे बच्चे ना खाएँ तो फ़ायदा नहीं है मेरे बनाने का, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर खीर भी मेरी तैयार हो चुकी है, इसको ज़्यादा देर रखा तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी, इतनी ठीक है ये जितनी है। तो अभी इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी पानी में। और ये भी हो चुके हैं जी रेडी, आँच बंद कर दिया मैंने। अभी इसको तो ऐसे ही कवर कर दूँगी, जितनी देर में उठेंगे बच्चे वगैरह इनके पापा खाने के लिए ठंडी हो जाएंगी, तो खीर को ठंडा करके तो उसको फ्रिज में रखना है। इस टाइम मैं बना रही हूँ जी चाट, सेवियों का ख़त्म वगैरह जो है ना सारा कुछ हो गया है। और ये पड़े हैं जी बकरे के पाई पड़े हुए हैं, इनको साफ़ करना है, पर अभी मूसा के पापा कहते हैं इनको फ्रिज में रखें तो इनको हम बाद में साफ़ करेंगे। ये जी हमारी चाट, और अभी सबको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और सारे चाट का इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे भी मेरे, मुझे खुद भी बहुत भूख लगी है। ये इमली की गुठली है जी, तो जल्दी से हम लोग चाट खा लें, उसके बाद मैं ना बच्चों को तैयार करूँगी। अभी चूँकि बहुत ज़्यादा दोपहर नहीं हुई, तकरीबन 9 हुए हैं, तो बच्चों को अभी तक मैंने रेडी नहीं किया कि एक ही दफ़ा ना चाट वगैरह खा लें, क्योंकि असल में सुबह सेवियाँ वगैरह इन्होंने खाई हैं तो भूख लगी है इनको, तो अभी जल्दी से इनको चाट वगैरह दूँ मैं खाने के लिए, उसके बाद बच्चों को मैं रेडी करूँगी। चाट हमारी हो गई है जी रेडी, हम जल्दी से अभी खा लें चाट, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। मेरी बेटी हो गई है जी तैयार, लेडी हो गई है मोमना, ईद मुबारक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबा पास चलें, आ जाओ बाबा पास चलें दादो घर। इधर देखो मम्मा को पॉकेट में क्या डाला है, अभी कुछ भी नहीं है। बाबा शहीदी लेना फिर पॉकेट में डालें ना आप, और कपड़े सारे खराब कर दिए आपने। इसने नहीं लेने हैं, अभी आप अपने कपड़े भी ले आए ना। मैं भी तैयार हूँ ना, फिर चलते हैं। अल्लाह जी जा लिया फिश मोमिना, बाय बाय।
मोमिना, इस टाइम हम लोग आए हैं जी आसफा भट्टो पार्क में। मोमिना इधर देखो मामा को, मामा की बेटी कौन? नहीं, मामा की बेटी कौन? किधर है घोड़ा? इधर देखो, मामा की बेटी कौन? मामा पापा। अच्छा आओ चलें, आओ चलें पापा के पास। इधर से जाओ, इधर से मूसा को देखें। जाओ ना, चल देख। क्या है ये? बिचारे के लिए आ रही है, उसे आने दो। जैनी रास्ते में बैठ गई है मूसा की। बाय राज। हम लोग पार्क से जो है वापस आ चुके हैं और बच्चे मेरे दोनों सो गए हैं। वापसी पे अम्मी के घर से कुछ गोश्त आया था तो वो मैं लेके आई थी और उस गोश्त को मैंने समेटा, साफ़ करके फ्रीज़र में रख दिया मैंने। और अभी मुझे लग गया जी भूख में। ये मैंने सोचा कि चाट बनी हुई पड़ी थी, सुबह बनाई थी तो पड़ी थी, तो साथ में मैंने ड्रिंक पी ली। वैसे पहले तो मैंने छोड़ दी थी, बट अभी मैं पी लेती हूँ। और ये खा के मैं पढ़ूंगी इशा की नमाज़, और इशा की नमाज़ के बाद सो जाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। बच्चे भी मेरे इतने ज़्यादा थके हुए थे वहाँ पे खेल कूद के कि वापसी पे रास्ते में मूसा सो गया था और मोमना घर आते साथ सो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना रखें सब लोग ढेर सारा ख्याल, और सबको बहुत बहुत ज़्यादा बकरा ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।